मौका मिल गया। नाउ कमाराडी असेंबली हैज अ फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल क्लब अंडर द एजिस ऑफ इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। जो का जो पॉलिसी जो इस्तेमाल की है कि फूट डालो राज करो, आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर बांट दो और राज करो। INTTUC लीडर नईम खान की सरप्रस्ती में कमट्टी त्रिमूल भवन की जानिब से दावत इफ्तार और गरीब जरूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर MLA मदन मित्रा, कमट्टी म्यूनिसिपल के चेयरमैन गोपाल साहा, वाइस चेयरमैन तुषार चटर्जी, MLA कोऑर्डिनेटर सोम मित्रा, काउंसलर मेहदी इमाम, अफसाना खातून, साबिक काउंसलर हसामुद्दीन, अनिशुर रहमान, सिकंदर नार्ज, अली रजा और अन्य मौजूद रहे और अपने हाथों से कपड़े और राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम से गरीब जरूरतमंदों की भी ईद बन जाती है और ईद की खुशियां में शामिल होते हैं। ये ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और जो साहब इस्तात लोग होते हैं, शासदा होते हैं, इन मौक़ों पर गरीब जरूरतमंदों में कपड़े, खाने पीने के सामान, सेवैयाँ तकसीम करते हैं, जिनसे हर मजबूर लाचार गरीब जरूरतमंद भी अपनी त्यौहार खुशियां अच्छे से मना पाता है। आइए देखें इस मौके पर नईम खान ने हमारे मीडिया कर्मी से बात करते हुए क्या कहा। पूरा हो जाएगा तो मैं मालिक को दुआ करेंगे कि मालिक आपका बेटा है, सब बहुत परिश्रम करके बहुत कष्ट करके ये रोजा पवित्रता से पालन करते हैं, आप सबको रोजा कबूल कीजिए। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक है और कमाराडी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और कमाराडी का एक क्लब कलगोरी एथलेटिक क्लब 100 साल की इतिहास में, IFA की इतिहास में फर्स्ट डिवीजन क्लब की खेलने का मौका मिल गया। नाउ कमाराडी असेंबली हैज अ फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल क्लब अंडर द एजिस ऑफ इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये अल्लाह की दुआ है, ये अल्लाह की तोहफा है, ये ईद की तोहफा है। मे दिवस नहीं तो मे दिवस नहीं तो आज के जरा श्रमिक तर मध्य नईम हाथे को तुले दिल गुड्डू शमशेर जरा श्रमिक तर हाथ चाल तुले दिल डाल तुले दिल श्रमिकर पासे दाड़ाते हैं और मुसलमान धर्मे श्रमिकर पासे दाड़ाना नतून को कथा ना। मुसलमान धर्मे हे सबसे बेसि जे अन्नर पासे दाड़ा से ही हे आसल मुसलमान, जे खाली निजेके देखे अन्नर किछु करे ना से तार कखनो ईमान थाके ना से कखनो मुसलमान होते पारे ना। दादा कमनल हारमोनी के नष्ट करार चेष्टा चलछे किन्तु ए इफ्तार पार्टी थेके कि बार्ता दिबेन। नमस्कार दाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं आपको होस्ट द्वारा हूँ। अभी फिलहाल मैं कमट्टी बीटी रोड पे, जहाँ पे INTTUC के नेता नईम खान के द्वारा यहाँ पे एक अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, इसके अलावा कपड़ा वितरण किया गया। इस मौके पे कमट्टी विधानसभा के MLA मदन मित्रा और तृणमूल कांग्रेस के बहुत से काउंसिलर और कैंडिडेट और तृणमूल कर्मी मौजूद रहे। आइए हम लोग बात करेंगे नईम खान साहब से कि आज का ये प्रोग्राम किस तरह से रहा। नईम खान साहब, सबसे पहले आज बताएं जो आप लोगों ने कपड़ा वितरण किया, क्या क्या किया और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये आज मई दिवस का दिन है, मजदूरों का दिन है। 8 घंटा के दाबी लेकर मजदूर जो शिकागो शहर में अमेरिका में जो आंदोलन उठाई थी उसी का आज एक पहलू था और हम लोग आज के दिन इसलिए बसे हैं कि केंद्र सरकार झूठ नीति के खिलाफ में जो पॉलिसी लिया रहा है BJP गवर्नमेंट, असंगठित वर्कर या असंगठित वर्कर इन लोग के ऊपर जो बोझ चापा जा रहा है, महंगाई इसी तरह बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो उसमें जो पॉलिसी आ रहा है एक वर्कर 8 घंटा ड्यूटी करेगी मिनिमम, कम से कम खूब कम तो 21,000 मिलना चाहिए, कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000 शोषण किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज के दिन, हम लोग BD रोड में आज से नहीं करीब 3540 बरस से हम लोग सोशल एक्टिविटी हम लोग रखते हैं, क्योंकि BD के तमाम वर्कर के मीटिंग मिशिल कराने के लिए नहीं, उनके दिल में बसने के लिए और उनके घर तक, उनके परिवार को कोई बीमारी है या उनके घर में कोई परेशानी है, लड़की को शादी दिलाना है, लड़की के एजुकेशन के पढ़ाई लिखा के ऊपर का काम करना है, हम लोग उस पर काम करते हैं। इसलिए आज हम लोग 1,000
मजदूरों को या गरीबों को लुंगी साड़ी चावल आलू प्याज तेल नमक ये तमाम चीज़ हम लोग देने सके हैं। और इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए हमारे जनों नेता हमारे इलाके के विधायक श्री मदन मित्र भी थे, हमारे चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, बहुत से काउंसलर हजरात थी। और कुछ देरी के बाद शौकतदा भी आएंगे और हमारे ट्रेड यूनियन के जिला राज्यों के नेता भी आएंगे। आज एक आज मई दिवस के मौके पर तमाम जगह प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए तमाम प्रोग्राम करते करते वो लोग करीब 7:30 बजे पहुँचेंगे। हम बोल दिए हम बोल चुके हैं कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर भी हमारा जाबो ये एक बार करा नोक कर आसब। नहीं साहब, आज ये ऐतिहासिक दिन है, मई दिवस फर्स्ट में लेबर डे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। आज आप इस ऐतिहासिक दिन पे लोगों को मजदूरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद ही एक ट्रेड यूनियन के नेता हैं? मजदूरों के मैसेज यही देना है हमको, यूनिटी बनाना है। आज जो बीजेपी गवर्नमेंट अंग्रेजों का जो पॉलिसी जो इस्तेमाल की है कि फूट डालो राज करो, आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर बांट दो राज करो। इसीलिए हम तमाम मजदूर के यही मैसेज देंगे कि आप लोग यूनिटी कीजिए, अपने ताकत को समझिए। अगर मजदूर एक हो जाएंगे, आज ट्रांसपोर्ट का हम छोटा सा मिसाल, ट्रांसपोर्ट को वर्कर आज पूरे हिंदुस्तान में अगर चक्का जाम कर देंगे ये सरकार हिल जाएगी। इसलिए हम चाहेंगे कि तमाम वर्कर तमाम मजदूर जो दिन आना दिन खाते हैं, अपने हकूक के लिए अपने ताकत को समझने के लिए आप इकट्ठा रहिए। किसी के बहकाने में किसी के बोलने में आप ना जाएं और अपने तकदीर को बनाने के लिए खुद उठ खड़ा होइए। जिस तरह से आपने कहा था जूट मिल से मुतल्लिक, जैसा कि अभी हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं जूट मिल को लेकर के अर्जुन सिंह काफ़ी चर्चे में, अर्जुन सिंह का जो बयान आ रहा है इस तरह से आ रहा है, ममता बनर्जी को बोलने कि हम लेटर देंगे, उनसे मिलने की भी कोशिश करेंगे, और उनके बयान को देख करके ये लग रहा है कि उनकी घर वापसी होने की तैयारी हो रही है, तो क्या कहेंगे, क्या ये घर वापसी की तैयारी अगर आते हैं तो क्या तृणमूल कांग्रेस उनको ले लेगी अपनी पार्टी में? जो लोग धर्म के नाम पे बांटते थे, वही अर्जुन सिंह जो सांप्रदायिकता का मेन लीडर माने जा रहे थे भाटपाड़ा में, अगर वो आते तो क्या पार्टी उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए, अर्जुन सिंह को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, हम छोटा मोटा एक ट्रेड यूनियन के नेता है, मजदूरों के बीच में काम करते हैं, इतना बड़ा बयान देना संभव नहीं है। मगर ये बात सही है कि अर्जुन सिंह के भी समझ में आ गया कि जिनका दामन पकड़ के चल रहे हैं धर्म के नाम पर, हम मजदूरों को शोषण करने के नाम पर जो चल रहा है, तो उससे वो अपने मुंह को छुपाने चाह रहे हैं। इसलिए हमारे जो नेता को धरे, ये हमारे नेत्री ममता बनर्जी, उनका दामन पकड़ने मांग रहे हैं कि अपने आंदोलन करूँ अपने संगे आसी, वैसा हमको अर्जुन सिंह को दरकार नहीं है, ममता बनर्जी अकेले काफ़ी है। अगर ममता बनर्जी एक कॉल दे देगी तमाम मजदूर एक जगह हो जाएगा। दो दिन बाकी रह गए ईद का, आप कमट्टी वालों को ईद के लिए क्या माँ पैगाम देना चाहें? कमट्टी तृणमूल भवन के जानिब से तमाम हमारे संग में जो हमारे दोस्त भाई मजदूर जो वर्कर जो दिन में कांधे मिला के जो काम करते हैं, हमेशा ही कोई मीटिंग हो मिशिल हो कोई प्रोग्राम हो, ये आज के ही प्रोग्राम में देखिए कल से परसों से लड़का लोग खट के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, तो हम कमट्टी के यही मैसेज देंगे कि आप किसी के बहका में ना कर अपने हकूक़ को पहचानने के लिए आप यूनिटी बनाइए। और ईद के खुशी हम लोग दो साल ईद के खुशी नहीं मना पाए कोरोना की वजह से, इस साल कोरोना कुछ कम है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस दिए हैं कि हम लोग नमाज पढ़ पाएंगे, हम लोग गला मिल पाएंगे, इसलिए हम लोग ईद के दिन एक दूसरे के मुबारकबाद देंगे, खुशी मनाएंगे, गला मिलेंगे। और तमाम भाइयों को लेकर हम लोग हर मजदूर के हर गरीब के घर में जाकर हम लोग ईद की मुबारकबाद देने के लिए